नमस्कार दोस्तों, सिटी हेल्थ के आज के इस एपिसोड में मैं इस्मा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, सिटी हेल्थ जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा एक हेल्थ शो है जो कि अब तक बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स को, जयपुर ही नहीं बल्कि बाहर के डॉक्टर्स को भी हम अपने स्टूडियो में बुला चुके हैं और बात करते हैं विभिन्न हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में। तो आज क्या है हमारा टॉपिक, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? दोस्तों, जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस इस तरह इन दिनों आम होती जा रही हैं, वैसे ही आपने देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि पथरी यानी स्टोन्स भी एक आम समस्या होती जा रही है। किसी भी उम्र के लोगों को पथरी की समस्या हो सकती है और ये पथरी शरीर के विभिन्न भागों में हो सकती है, पाई जा सकती है और बहुत बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन सकती है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में सिटी हेल्थ के हमारे साथ में हैं अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश मेहता, जो कि हमसे बात करेंगे किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी के बारे में। डॉक्टर रितेश मेहता, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ के आज के इस एपिसोड में। पथरी एक बहुत ही आम समस्या होती जा रही है, हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि पथरी यानी स्टोन्स शरीर के किन किन भागों में पाए जा सकते हैं, कहाँ ये समस्या हो सकती है? पथरी शरीर के विभिन्न अंगों में पाई जा सकती है, जैसे कि गुर्दे में, गॉल ब्लैडर में, पैंक्रियास में, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं राजस्थान में, हम लोग काफ़ी पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जो कि गुर्दे और उसके जो यूरेटर होता है, जो नली होती है गुर्दे की नली, ब्लैडर होता है जिसे हम मूत्र की थैली बोलते हैं, वहाँ पर इन जगहों पे बहुत सारी पथरियाँ पाई जा सकती हैं। यानी कि ये एक आम समस्या है गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन। हम सुनते भी हैं कि गुर्दे की पथरी से बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपने कहा कि राजस्थान में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो क्या यहाँ कुछ ऐसी खास बात है यहाँ के खान पान में या यहाँ के पानी में कि किडनी स्टोन थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं? जी मैम, राजस्थान में चूँकि हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और पानी जो है उसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है जी। तो इन सब वजहों के कारण पथरी काफ़ी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है में जी। लोगों को किडनी की समस्या जो है वो आम, पथरी की जो समस्या है गुर्दे की पथरी वो एक आम समस्या है जी। जी, तो ये तो रहा एक कारण डॉक्टर मेहता की, जैसे कि आपने कहा कि राजस्थान में फ्लोराइड जो है पानी में ज़्यादा होता है, फ्लोराइड की मात्रा की वजह से किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या गुर्दे की पथरी होने के कुछ और भी कारण हैं खास, जिन पर आप हमें बताना चाहेंगे, जिनके बारे में? सबसे बड़ा कारण जो है, हम लोग अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में अगर पानी की पूरी तरीके से अगर हम लोग पानी नहीं पियेंगे तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण गुर्दे की पथरी बनती बन है, सकती है जी। अगर पानी का इंटेक इतना कम है जिससे कि यूरिन का फॉर्मेशन अगर सिर्फ 1 लीटर या उससे कम बनता है जी। तो छोटे छोटे पदार्थ स्टोन्स ग्रेबल्स बना के और वो बाद में जो है अपना एक धीरे धीरे लेयर फॉर्मेशन करके एक बड़े स्टोन की तरफ वो रुक करते हैं। यानी पानी अगर ज्यादा पिया जाएगा जी, तो वो जो छोटे छोटे निकलेगा भी तो वो एक तरह से डीटॉक्सिफाई जो है हमारी जी जी, वो जो छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं अगर आपने पानी ज्यादा पिया तो वो मूत्र के माध्यम से वो लोग निकल जाते हैं और अगर नहीं पिया जाएगा तो वो जमेगा, वो जमेगा और वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन करके एक बड़े स्टोन का जो है ये मुझे लगता है एक और कारण है, जैसे कि अभी आपने बताया कि राजस्थान एक गर्म प्रदेश है तो मुझे लगता है यहाँ पानी कम पीने की वजह से और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से चांसेस अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक तरफ गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और अगर हम वैसे भी जो है ग्रेबल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर हमने नहीं पिया, पानी ज़्यादा नहीं पिया और यूरिन का फॉर्मेशन इतना नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे जो है स्टोन्स का एक रूप धारण कर लेते हैं रूप। यानी कि यहाँ हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि दर्शकों, गुर्दे की पथरी जो है एक आम समस्या तो है ही, लेकिन इसे काफ़ी हद तक आप अवॉइड कर सकते हैं, ये टल सकती है अगर आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखते हैं और लगातार ज़्यादा रखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही नहीं बल्कि आप रोज़ में ये आदत बनाएं कि मेरे ख्याल में कितना 8 से 10 ग्लास तक पानी, जैसे कि हम पढ़ते हैं इतना पानी, तो ये तो एक मिनिमम हम जिसे बोलते हैं जी। हमें समय का भी कई बार ध्यान रखते हैं, जैसे कि अगर गर्मियों के वक्त में हम लोग कम से कम
15 से 20 ग्लास के लिए बोलते हैं कि क्योंकि सर्दियों में तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ 10 से 12 ग्लासेस, लेकिन ये 10 से 12 ग्लासेस तो एक ओवर द होल ईयर एक मिनिमम है। अगर गर्मी ज़्यादा है उतनी उतनी आवश्यकता ज़्यादा है। अगर गर्मियों में टाइम में हम लोग कहते हैं कि आप और थोड़ा सा ज़्यादा अपना इनटेक बनाएं ताकि यूरिन फॉर्मेशन भी, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में पसीने के थ्रू या किसी और के थ्रू यूरिन इतना नहीं निकल पाता, तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा रहे उसके लिए पानी भी पीना जाना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कारणों में जैसे कि आपने बताया पानी की कमी और राजस्थान जैसे प्रदेश में फ्लोराइड ज़्यादा होने की वजह से गुर्दे की पथरी जो है वो हो सकती है। तो जैसे कि कहते हैं कि बचाव में ही उसका उपचार भी है, तो ये एक बचाव का टिप आपके लिए दर्शकों कि पानी ज़्यादा पिए तो काफ़ी हद तक आपको गुर्दे की पथरी की समस्या ना हो, ऐसे चांसेस ऐसा हो सकता है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी सिम्टम्स यानी कि लक्षण जो है गुर्दे की पथरी के वो क्या है। हम देखते हैं कि कोई भी बीमारी हो लक्षण काफ़ी मिले जुले से होते हैं और ख़ासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं तो रोज़मर्रा में होती ही हैं और ख़ासकर महिलाओं में तो देखा जाए तो ये समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो क्या गुर्दे की पथरी के कोई ख़ास ऐसे लक्षण, कोई ख़ास ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे ये पहचान की जा सके कि ये गुर्दे की पथरी हो सकती है? देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गुर्दे की सिर्फ पथरी, हम लोग ये नहीं है कि सिर्फ गुर्दे की पथरी के बारे में बात कर रहे हैं आज। हम ये चाह रहे हैं कि एक पूरी तरीके से जो पूरा सिस्टम है जिसे हम जेनेटो यूरिनरी ट्रैक बोलते हैं, तो उसके बारे में पूरा कंप्लीट एक आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ। तो गुर्दा, गुर्दे से जो एक नली निकलती है उसको हम बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं, वो मूत्रवाहिनी है ना, और उसके नीचे जाता है ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली। तो ये पथरी कहीं भी हो सकती है और पथरी जिस जगह पर होगी उनके सिम्टम्स अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर गुर्दे में पथरी है तो उसका सिम्टम डिफरेंट होगा, अगर यूरेटर में पथरी है तो उसका सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, और अगर ब्लैडर के अंदर यानी कि मूत्र थैली के अंदर फंसा हुआ है या उसके अंदर पथरी है तो उनके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें कोई सिम्टम मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, एक रूटीन सोनोग्राफी होती है और उसके अंदर हमें स्टोन्स डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद हम लोग एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए भी जाएं, क्योंकि चूंकि हम लोग राजस्थान में रहते हैं तो हम लोग एक हम कह सकते हैं कि हम एक टारगेटेड पॉपुलेशन है जो कि स्टोन्स जिनमें ज़्यादा बन सकते हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए एक, जैसे आपने भी कहा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम एक पर्टिकुलर एज जैसे 30-35 के बाद में एक रेगुलर जो सोनोग्राफी होती है उसमें चेकअप में भी कई बार हम लोग को ऐसा मिल सकता है कि एक रूटीन सोनोग्राफी के लिए गए और उसमें एक हमें पथरी मिली है। खासकर तब जैसे कि आपने बताया कि कई बार ये चीज़ जो है बिना सिम्टम्स के, बिल्कुल बिना लक्षणों के भी दस्तक दे सकती है, तो ऐसे में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हम लोग को रूटीन सोनोग्राफी के अंदर हम लोगों को जो है स्टोन्स पाए जाते हैं, और ये भी कई बार होता है कि प्रॉब्लम जो पेशेंट्स हैं वो समझते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, और बाद में सोनोग्राफी के अंदर हमें पता पड़ता है कि ये तो एक्चुअली स्टोन्स हैं किडनी में, यूरेटर में। तो जो जागरूक रहने वाली बात है कि अगर हमारे साइड जो जैसे बोलते हैं फ्लैंक रीजन बोलते हैं, इस साइड रीजन में, क्योंकि गुर्दे का जो लोकेशन होता है वो इधर की तरफ होता है जी। तो गुर्दे के अंदर अगर कोई भी पथरी होगी तो मेन जो दर्द होगा वो इधर की तरफ रहेगा, इस फ्लैंक रीजन के अंदर बाई साइड में। तो यहाँ पर अगर कोई भी दर्द आपको कंटिन्यूस धीरे धीरे भी हो सकता है, अगर वो हमेशा आपको थोड़ा महसूस होता है कि भी हल्का हल्का दर्द रह रहा है हमेशा, और उसके कारण यूरिन के अंदर कभी हमें जलन सी महसूस हो रही है या कभी यूरिन के अंदर कभी आपको ब्लड भी दिख सकता है, खून भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको खून नज़र आए। हो सकता है कि आपने यूरिन एक रूटीन टेस्ट करवाया और उसके अंदर आपको अंदर जो है RBCs यानी कि ब्लड आपको जो पाया गया है, तो वो भी एक, अगर आपको यूरिन सिर्फ यूरिन टेस्ट करवाया और उसके अंदर ब्लड मिला तो वो एक सोनोग्राफी के लिए आप ज़रूरी आप जाएं ताकि उसमें आपको अगर कोई पथरी हो या तो वो डिटेक्ट हो सकती है। तो जैसा आपको बताया कि अगर इस साइड में अगर कोई भी आपको दर्द कंटिन्यूसली रह रहा है कुछ समय से तो वो एक किडनी स्टोन हो सकता है, सिम्टम हो सकता है। ये तो हमने किडनी स्टोन की बात करी। अगर वही स्टोन कई बार जैसे किडनी से नीचे गिर के अगर यूरेटर के अंदर आगे फंस गया
तब स्थिति बहुत डिफरेंट हो जाती है, तब जो है दर्द बहुत ऐसे नहीं हो जाता है, क्योंकि वो किडनी से जो नली का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि यूरिन का तो फॉर्मेशन किडनी हो करती है हमेशा, तो वो अगर जाके अगर ब्लैडर के अंदर नहीं गया और अगर बीच में ही अटक गया तो उसके कारण गुर्दे में सूजन हो सकती है, तो जो गुर्दे में जो सूजन होती है उसके कारण असहनीय दर्द होता है, तो ये दर्द। और ये दर्द क्या बाएं या दाएं तरफ हो सकता है या? देखिए किडनी दोनों तरफ होती हैं जी, तो जिस साइड में अगर स्टोन जाके अटकेगा वो उस साइड में करेगा तो दर्द। पेट का निचला हिस्सा जो है मेरे ख्याल से वहाँ। देखिए देखिए अगर जैसे लेफ्ट साइड में अगर प्रॉब्लम है और लेफ्ट के अंदर यूरेटर के अंदर जो नली के अंदर अगर फंसा है तो वो दर्द नॉर्मली यहाँ से लेके आगे की तरफ जाके या हो सकता है वो नीचे हिस्से में भी जाए। कई बार अगर हमें ऐसे महसूस होता है कि दर्द यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारे निचले हिस्से के अंदर जा रहा है और इस दर्द के साथ में आपको वॉमिटिंग यानी कि उल्टी भी हो सकती है, पेशाब के अंदर जैसे जलन मैंने आपको बताया कि ये चीज़ भी हो सकती है, तो ये एक डेफिनेट सिम्टम है कि आपको एक स्टोन डिजीज़ है या कि आपको एक पत्थरी की निशानी है। जी हाँ, इसलिए यूरेटर के अंदर जो स्टोन्स होते हैं यानी कि जो नली के अंदर स्टोन्स होते हैं वो बहुत ही ऑब्वियस हो जाते हैं, यानी कि लोगों को पता पड़ जाता है, लेकिन हम लोग क्या है कि किडनी स्टोन्स यानी कि जो कई बार किडनी में छोटे छोटे स्टोन्स पाए जाते हैं वो आपको ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता है, उसके कारण कभी कभार होता है या आप उसके बारे में ज़्यादा चिंता केयर नहीं करते हैं, लेकिन वो स्टोन कभी बड़े होके नीचे जाके यूरेटर में अटक सकते हैं। और ऐसे कुछ केसेस सुनने में भी आए हैं कि किडनी के स्टोन्स गुर्दे की पथरी डिटेक्ट हुई लेकिन ये कहा गया कि स्टोन का साइज इतना छोटा है कि उन्हें ज्यादा पानी पी के भी निकाला जा सकता है जी, तो क्या ये सब पॉसिबिलिटीज भी होती हैं? देखिए क्या होता है कि हर केस को एक अपने लेवल पे हमें देखना होता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की एज क्या है, उसके साथ कोई उसको और सिम्टम्स हैं या नहीं है या उसके कोई साथ उसको बीमारी है या नहीं है, तो हर केस को एक स्टडी करके हम लोग उसमें डिसाइड करते हैं कि इसके लिए हमें क्या बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन देना है। कई बार जो छोटे स्टोन्स होते हैं 2-4 mm के स्टोन्स होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि मेडिसिन से या जो नेचुरल थेरेपीज़ होती हैं उनसे उसको निकलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पेशेंट इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए कि उसके बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर ना करें। आपको इस चीज़ की तरफ जी अलर्ट होना, अपनी बॉडी की तरफ अलर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने हमें ये पता है कि स्टोन्स हैं और हमने इसके बारे में केयर नहीं किया या कभी बाद में उसको हमने ये कोशिश नहीं की कि डिटेक्ट नहीं कराया वापस सोनोग्राफी में क्या हुआ उन स्टोन्स का, तो वो बाद में जैसे आज आपने डिटेक्ट हुआ और 1-2 साल बाद में अगर आप वापस किसी और चीज़ के लिए सोनोग्राफी करा रहे हो तो आपको पता पड़ता है कि वो तो पहले 2 mm 3 mm का था और अब जाके वो 1 cm या 1.5 cm का हो गया है, तो वो कंडीशन क्या होती कि फिर उसमें हमको सर्जरी ही जाना पड़ता है। फिर लिए मेरे ख्याल में ये जरूरी है समझना कि अपने डॉक्टर स्वयं ना बने, अपने डॉक्टर के हाथों में सौंपे, अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें। जी, जी, जी। और ऐसे में मैंने देखा है कि हमारे खासकर भारतीय समाज की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम कोशिश करते हैं जहां तक हो सके डॉक्टर के पास जाना को अवॉइड ही करते हैं, अपने ही ट्रीटमेंट करते रहते हैं, अपने ही कुछ वो निकालते रहते हैं कि ज्यादा पानी पी लेते हैं या ऐसे में बहुत सारी चीजें होती हैं, जौ का पानी पीना और विभिन्न तरह की चीजें होती हैं जिनसे हम अपना इलाज खुद करने की कोशिश करते हैं जो कि काफी हद तक गलत है। यदि लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं, वो ज्यादा ढंग से बता सकते हैं। देखिए ये बात बहुत जरूरी है कि एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये बात अगर हम सोचें कि भाई डॉक्टर जाएगा तो वो महंगी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा या सीधे ऑपरेशन के लिए बोल देगा, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 99% केसेस में तो नहीं होता है ये सब चीज़ें, कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है और उसको आप किस तरह से ले रहे हैं, बट अगर आप सही तरीके से जाएं डॉक्टर से कंसल्ट करें एक बार तो वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आपको बताएंगे कि इसके लिए हमको किस तरह से जाना है, किस तरह से आपको मेडिसिंस भी दे सकते हैं, आपको नेचुरल थेरेपी भी दे सकते हैं जिसके कारण आपके ये स्टोन्स निकल जाएं, और आपको एक तरीका बता सकते हैं कि भाई इसको आपको कैसे फॉलोअप करना है जी। और अगर आप जागरूक हैं इस चीज़ के लिए तो आप जो बड़ी सर्जरीज हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं,
हम कोशिश ये करते हैं कि द नहीं आप सूनर द बेटर, जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी जल्दी ही एग्जैक्टली जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड जी प्रोसीजर जी में जी जाने के। क्योंकि हम क्या हम ये सोचते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हम बच जाएंगे इन चीज़ों से। देखिए पथरी बनाने वाले डॉक्टर नहीं है। हाँ बिल्कुल आपको अगर पथरी है और आपको प्रॉब्लम है तो उसका इलाज के लिए एक बार तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे अवॉइड करेंगे या फॉलोअप में नहीं रहेंगे तो फिर आपको क्या है कि मेजर कोई प्रॉब्लम के साथ आपका यहाँ मुझे लगता है हो दर्शकों का सकता ये जानना भी जरूरी है डॉक्टर जी मेहता कि यदि समय पर इलाज नहीं किया जाए जी गुर्दे की जी पथरी का जी तो कॉम्प्लिकेशंस किस तरह की और क्या हो सकती हैं? देखिए अगर हमने उसको सही समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, जैसे मान लो कि छोटी भी पथरी है तो कई ट्रीटमेंट ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास जो कि जिसमें कि सिर्फ दवाइयाँ या फिर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं। जी जो बेस्ट नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं ESWL यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसको हम मैं अगर सिंप्लीफाई वे में कहूँ तो ये एक प्रकार का बाहर से लेज़र ट्रीटमेंट है, जी यानी कि बाहर से आपको जो है लेज़र की जो किरणें होती हैं वो स्टोन पे टारगेट की जाती हैं। वो स्टोन पे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, इवन थोड़े किडनी के अंदर 1-1.5 सेंटीमीटर तक के जो स्टोन्स होते हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं ESWL थेरेपी से, और वो फिर स्वतः ही मूत्र मार्ग से निकल जाते हैं। जी तो ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट जो है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें पेशेंट को एडमिट भी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एस एन ओ पी डी प्रोसीजर है, पेशेंट आप जाते हैं 1-2 घंटे के अंदर वो पूरा जो है ट्रीटमेंट हो जाता है और वो स्वतः ही चल के अपने आप जा सकते हैं। इसमें कोई अनस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो यानी ये एक जटिलता तो कोई है ही नहीं देखा हाँ जाए ये तो। एक ओपीडी प्रोसीजर है, एकदम सेफ है। और हम लोग हालांकि इसमें हमको पेशेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हर कोई हाँ, वो पेशेंट। जैसे कि आपने कहा कि हाँ हर केस अपने आप में यूनिक हाँ है जी जी कि आप हर पेशेंट के साथ जी जैसे किडनी प्रॉब्लम है वो जी ऐसा भी नहीं कर सकते, हाँ ये डॉक्टर ही तय करते जी हैं कि जी कौन सा केस इस ट्रीटमेंट के लिए ये उपयुक्त लायक है। है। हाँ बिल्कुल तो स्पेशली जैसे ये ESWL ट्रीटमेंट हम जिसे बोलते हैं वो थिन पेशेंट्स होते हैं जिनके स्टोन साइज कम होती है, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन बेस्ट है। ऑप्शन है। अगर आप कोई पेशेंट हैं जो कि काफ़ी मोटे हैं, ओबेस हैं और कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको, कंडीशंस हैं या स्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो फिर उनके लिए राइट ऑप्शन नहीं है। नहीं है तो हमारे पास फिर इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल ऑप्शंस हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करने। तो दोस्तों, सिटी हेल्थ के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर रितेश मेहता, जो कि हमें बता रहे हैं गुर्दे की पथरी के बारे में। हमने उनसे जाना कि गुर्दे की पथरी क्या होती है, क्या वजह होती है गुर्दे की पथरी होने की, और कुछ हद तक हम किस तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने जाना। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जानेंगे डॉक्टर रितेश मेहता से कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस यानी इलाज की क्या संभावनाएं मौजूद हैं हमारे पास, खासकर अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं गुर्दे की पथरी के निदान के लिए। तो आप कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड विद सिटी हेल्थ। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।